नमस्ते दोस्तों, आज हमने बनाया है सरसों वाली मछली। तो देर ना करते हुए चलिए शुरू करते हैं बनाने की ओर। तो इसके लिए मैंने यहाँ पर लिया है खसखस और ये सरसों के दाने। तो दोनों हमने बराबर मात्रा में लिया है। अब इसे हम सूखा ही एक मिक्सिंग जार में पीस के इसका पाउडर बना लेंगे। तो पाउडर बनने की इस तरह से ये पाउडर तैयार है। अब हम इसी मिक्सिंग जार में ऐड करेंगे थोड़ा सा पानी, और ये पानी हम उसी पाउडर में ऐड कर देंगे। इसके बाद हम ये लहसुन और अदरक को भी पीस लेते हैं। तो साथ में हम इसे ऐड करने के बाद थोड़ा सा हम पानी ऐड करेंगे ताकि ये अच्छे से पीस जाए। तो इस तरह से ये पेस्ट तैयार है। तो यहाँ पर हमने रखे ये टमाटर और साथ में ही ये कटा हुआ प्याज, एक बड़ा प्याज हमने काट के रखा है। ये मेरे पास कतला मछली जिसमें मैंने हल्दी नमक ऐड करके रखा है। तो अब हम ये मछली को फ्राई कर लेंगे। तो कढ़ाई में हमने डाला है सरसों का तेल, और तेल गर्म होते ही इसमें हम मछली को ऐड कर देंगे। और मछली को हमें ज़्यादा फ्राई नहीं करना है, हल्का सा फ्राई करना है। मतलब मैंने लगभग दो मिनट करके दोनों साइड, टोटल मैंने 4 मिनट में मछली को फ्राई किया है। मछली को अगर हम ज़्यादा फ्राई कर लेंगे तो ये इतना टेस्टी नहीं बनेगा जब हम इसका ग्रेवी बनाएंगे। तो उसी तेल में ही हम ऐड कर देंगे 1 छोटी चम्मच कलौंजी। इसके बाद कटा हुआ प्याज को भी हम इसमें ऐड कर देंगे, और इसे थोड़ा टाइम हम इस तरह से तेल में चला लेते हैं। तो 2 मिनट लगातार मैंने प्याज को अच्छे से पकाया है। तो 2 मिनट प्याज को कुक करने के बाद इसमें हम ऐड करेंगे टमाटर जो हमने काट के रखे थे। इसके बाद हरी मिर्ची। तो ये हरी मिर्ची बहुत तीखा है, इसीलिए मैंने 3 हरी मिर्ची इसमें ऐड किया है। तो आपको तीखा जितना आपको पसंद है और आपकी मिर्ची जितना तीखा है उसी के हिसाब से इसमें मिर्ची ऐड कीजिए। साथ में ये हल्दी नमक और कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, और इन सबको ऐड करने के बाद इसे हम चला लेते हैं। इसके बाद हम इसमें ऐड कर देंगे जो हमने अदरक और लहसुन का पेस्ट बनाया था उसे भी। इसके बाद हमें मसालों को अच्छे से कुक कर लेना है जब तक मसाला पक ना जाए। तो इसमें मैं ऐड कर रही हूँ चीनी, बहुत थोड़ा सा। आप देख सकते हैं मैंने कितना चीनी ऐड किया है। ये ऑप्शनल है, मतलब चीनी आप ऐड कर भी सकते, नहीं भी कर सकते। बट चीनी ऐड करने से इसका कलर भी बहुत सुंदर आता है और थोड़ा सा टेस्ट में भी फ़र्क होता है, तो इसलिए मैंने चीनी को ऐड किया है। तो इसके बाद हम ऐड कर देंगे थोड़ा सा पानी ताकि मसाला हमारा जल ना जाए। तो ये पानी ऐड करने के बाद अब हमें मसालों को अच्छे से कुक कर लेना है। और बीच बीच में हम इसलिए चलाते हैं ताकि ये जल ना जाए मसाला नीचे से। तो ये मसाला बहुत अच्छे से कुक हो चुका है, आप देख सकते हैं ऊपर में इसमें तेल निकलने लगे हैं। तो मतलब आपका मसाला बहुत अच्छे से कुक हो चुका है। तो इसके बाद हम इसमें जो हमने खसखस और सरसों के दाने को पाउडर बनाकर इसमें पानी ऐड करके रखा था उसे हम इसमें ऐड कर देंगे। और ऐड करने के बाद इसमें हम ऐड करेंगे और थोड़ा सा पानी, मतलब आपको जितना ग्रेवी बनाना है उसी के हिसाब से आप इसमें पानी ऐड कर सकते हैं। तो इसी पानी में ही हमें मछली को कुक करना है, तो आप उसी के हिसाब से इसमें पानी ऐड कीजिए ताकि आपको कितना ग्रेवी बनाना है। और जब हम मछली को ऐड करेंगे मछली भी बहुत पानी सोख लेता है, तो वही अंदाज में ही आप इसमें पानी ऐड कीजिए।
तो इसे ऐड करने के बाद अब हम इसे जब तक इसमें अच्छे से उबाल ना आ जाए तब तक हमें इसे कुक करना है। तो आप देख सकते हैं इसमें उबाल आ चुका है और पानी भी थोड़ा सा, ग्रेवी जो हमने पानी ऐड किया ये भी थोड़ा सा कम हो गया है, मतलब ये मछली ने इसमें सोख लिया है। तो आपको जितना ग्रेवी बनाना है उसी के हिसाब से आप इसे इसमें पानी ऐड कर सकते हैं और उसी के हिसाब से इसके ग्रेवी बना सकते हैं। तो मुझे इतना सा ही ग्रेवी बनाना है तो मैंने इसीलिए उसी के हिसाब से पानी ऐड किया है। तो तैयार है ये सरसों वाली मछली, आप लोग भी इसे एक बार ट्राई कीजिएगा। और मेरी वीडियो आप लोगों को कैसी लगी प्लीज़ कमेंट में ज़रूर लिखिएगा और हो सके तो अपने दोस्तों के साथ शेयर।